All right, class 9. Now we move on to the next lecture of Poverty as a Challenge, chapter 3 of your economics, lecture 4. So you have seen what is poverty, what is the definition, what is the economy of India affecting due to poverty, and how India facing a big problem due to poverty, and the global scenario, and how the different countries in the world डीलिंग विद द पॉवर्टी एंड हाउ पॉवर्टी सर्वाइविंग देयर. तो गरीबी के कारणों को हमने देखा, गरीबी क्या है ये हमने देखा, भारत में कैसे गरीबी है कितनी है वो हमने देखा, दुनिया में कैसे गरीबी है कितनी है वो हमने देखा. तो अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हैं. तो भारत में जो गरीबी के कारण रहे वो नीचे दिए गए हैं, वो देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहला है द ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर नॉट इन फेवर ऑफ द लोकल इकोनॉमी. तो आप जानते हैं ब्रिटिशर्स जो लुटेरे थे भारत में आए लूटने खसोटने, तो उन्होंने भारत की इकोनॉमी को, भारत की से जो हमारे वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था उसको बर्बाद करके रख दिया. जो हमारी लोकल इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुँचाया, क्योंकि ये एक लुटेरे थे, लुटेरे बनकर भारत में आए थे और इनका काम था भारत की पूरी इकोनॉमी को लूट कर अपने देश में ले जाना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये सब किया गया था, जिसका नुकसान भारत को आज तक उठाना पड़ रहा है. तो ब्रिटिश रूल बहुत बड़ा कारण रहा है भारत की गरीबी के पीछे. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन एंड नॉट मच ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज कुड डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड. This is considered to be a major reason for abject poverty in India at the time of independence. और इसके अलावा भारत जो सोने की चिड़िया बना था कभी 11th century तक, भारत जो था दुनिया का richest country था, भारत और चाइना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की हैंडीक्राफ्ट की वजह से था. जो भारत का कपड़ा था उसकी दुनिया भर में मांग थी और उससे भारत के व्यापारियों को अच्छा खासा पैसा मिलता था, और उन व्यापारियों से फिर भारत के जो कारीगर थे हैंडीक्राफ्ट जो बनाते थे उनको बढ़िया पैसा मिलता था. तो हमारा वैल्यू जो था, ये पूरा सिस्टम जो था ये बहुत बेस्ट था, इसकी अर्निंग हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ऊपर पहुँचा के रखे हुए थी. तो हमारा ये हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम भी अंग्रेज़ों की वजह से बहुत ही डिक्लाइन हुआ. ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे हमारे जो रॉ मटेरियल को ख़रीदा गया और यहाँ पर फर्निश प्रोडक्ट बेचे गए, यहाँ से जो सामान जाता था वो फैक्ट्रीज से बनकर इंडिया में वापस आता था. तो हैंडीक्राफ्ट की जो सेल थी वो पूरी तरह से घट चुकी थी और ब्रिटिश फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में भरे जा चुके थे. दुनिया भर में अब मशीन मेड प्रोडक्ट बिक रहे थे, जिससे भारत का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गया. तो भारत का ये जो हैंडीक्राफ्ट था ये घर घर में लगा था, हर घर में कोई चादर बनाता था, कोई पहनने के कपड़े, कोई कुछ कोई कुछ. तो ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ा भारत की इकोनॉमी पे, क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आय का, इनकम का जो जरिया था वो फिनिश हो गया. तो इस वजह से इसका नुकसान इकोनॉमी को और हमारे देश को उठाना पड़ा. तो दैट इज़ द रीज़न भारत जैसे देश में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की इम्पोर्टेंस है. अगर हम भारत में लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि हम भारत में इन डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करवाएं. यही रीज़न है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर जो भी आपकी कैपेसिटी है अपना खुद का बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड द हेल्दी इकोनॉमी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 11th-12th सेंचुरी. और उसी को अगर हम दोबारा फॉलो करें तो भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो पॉवर्टी है, ये काफ़ी हद तक कम की जा सकती है, क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं. अगर हम वो बाहर से ना खरीदें, अपने यहीं से उसको बना के बेचें, यहीं से हमारी मार्केट में वो सारा सामान आए बिके, तो बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकता है, यहाँ से काफ़ी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की. द लो ग्रोथ रेट परसिस्टेड टिल 1980s एंड दिस वॉज द कपल्ड विद द हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एंड रिजल्टेड इन हायर नंबर ऑफ पुअर.
तो ये जो लो ग्रोथ रेट था अंग्रेजों के जाने के बाद भी 1980 तक चलता रहा, और उसके बाद कुछ और बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई, वो थी एक तो हमारी पॉपुलेशन बेहिसाब बढ़ी, हर घर में जहाँ एक एक दो दो बच्चे थे वहीं अब सात सात आठ आठ बच्चे हुए ड्यूरिंग दिस 80s के टाइम तक आते आते। और ये जो पॉपुलेशन का बोझ था इसने गरीबी के डाटा को और बढ़ा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इन रिवाइविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर बट इफेक्ट वॉज लिमिटेड टू सर्टन पार्ट ऑफ कंट्री, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ यहाँ पे सुधार किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, लेकिन इसका जो असर था वो सिर्फ गिने चुने जगह पर दिखाई दिया, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ के किसान जो थे अमीर किसान थे, ज़मीनें इनके पास ज़्यादा थी, तो इन्होंने खर्चा किया, जिस खर्चे से फिर इनके पास अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे सीड्स, ट्रैक्टर, मशीनें आई, लेकिन जो गरीब किसान थे वो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट गरीब किसानों के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। द सेकेंडरी सेक्टर डिड नॉट जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस फोर्स मैनी रूरल माइग्रेंट टू गो अनस्किल्ड वर्क। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हमने सेटअप करनी चाहिए थी वो इंडस्ट्रीज हम सेटअप नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से जो गांव के बेरोजगार लोग थे वो बेचारे अनस्किल्ड कामों में लग गए, कोई कहीं पे मजदूरी करने लगा, कोई कुछ करने लगा, और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बैठे रहे। तो अगर इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप की जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते थे। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज अनदर मेजर रीजन फॉर पुअर्टी इन इंडिया। इन स्पाइट ऑफ लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव, अ मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इज इन द हैंड ऑफ सेलेक्टेड फ्यू एंड लार्ज पोर्शन ऑफ फार्मर्स आर लैंडलेस। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी काफ़ी है इनकम के मामले में, जिसे कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो 20% लोगों के पास भारत के 80% लोगों का धन है। आप देखेंगे भारत में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अमीर के पास सारे रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ पर उसने कब्जा जमाया हुआ है, और गरीब के लिए रिसोर्सेज तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। इसी का एक एग्जाम्पल था भारत में जमींदारी सिस्टम, जहाँ कुछ लोगों के पास कई सौ एकड़ जमीन होती थी, वही जो ऐसे भी किसान थे जिनके पास खाने लायक भी जमीन नहीं थी, जिसमें उनके गुजारे लायक अनाज पैदा हो सके। तो ये भारत में इनइक्वालिटी होना इनकम का, ये भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। देर आर मैनी सोशियो कल्चरल फैक्टर विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी। इसके अलावा पॉवर्टी के और भी कारण है, जैसे आपने देखा था सोशल क्लास का एक एक्सक्लूजन होता है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर जातियों को, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के बहुत सारी जातियाँ हैं, तो उनके पास कमाई के जरिए इतने नहीं रहे हैं, तो वो भी पैदाइशी गरीब रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी 50% से ज़्यादा फैमिलीज गरीब हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ सोशल एविल्स। एन एवरेज इंडियन हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मैरिज एंड अदर रिचुअल बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल प्रेशर, दिस क्रिएट अ हैवी ड्रेन ऑन सेविंग्स। भारत में कुछ ऐसे रीति रिवाज भी रहे हैं, जैसे लड़कियों की शादी में दहेज देना, या फिर किसी के मर जाने पर उसके जो कर्म कांड किए जाते हैं उनमें पैसे का खर्च किया जाना। तो ये ऐसे अंधविश्वास भारत में चले हैं जिसमें गरीब लोग कर्जा उठाकर भी इन कामों को करते थे, जिससे फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां उस कर्जे को चुकाते चुकाते गरीबी में ही अपना पूरा जीवन गुजार देती थी। तो ये सामाजिक रीति रिवाज भी भारत में गरीबी का एक कारण माने जाते हैं। एंटी पुअर्टी मेजर्स, गरीबी से बचने के क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या इसके लड़ने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से किया गया है। द करंट एंटी पुअर्टी मेजर्स आर टारगेटेड एट टू प्लैंक, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम। तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाती हैं, पहला है इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और दूसरा एंटी पुअर्टी प्रोग्राम चले जाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसमें क्या क्या है, सिंस 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। द ग्रोथ रेट यूज टू बी 3.5% इन द अर्ली डिकेड, इट इंक्रीज 6% ड्यूरिंग 80s एंड 90s। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6% है, अभी मंदी के टाइम पे दोबारा हम 6% के उस पर आ गए हैं, जहां दूसरे देशों में अगर आप जाओगे तो माइनस ग्रोथ रेट चल रहा है, भारत का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है भारत।
हाई ग्रोथ रेट हैज हेल्प जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल। और इस हाई ग्रोथ रेट के कारण नई नई नौकरियां निकल रही हैं और लोगों की इनकम बढ़ रही है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस एक्ट इज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है। दिस प्रोग्राम ओरिजिनली स्टार्टेड इन 2005 एज नरेगा, 2005 में इसको शुरू किया गया था नरेगा के नाम से, और अब इसको कहा जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है। 2005 में इसको शुरू किया गया था, नरेगा इसका नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में महात्मा गांधी और ऐड कर दिया गया इसके साथ। अंडर दिस प्रोग्राम वन मेंबर ऑफ ईच रूरल हाउस होल्ड शैल बी गिवन 100 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। इस प्रोग्राम के अंदर हर परिवार से एक मेंबर को नौकरी दी जाती है, काम दिया जाता है कम से कम साल में 100 दिन के लिए। सरकार की कोशिश रहती है कि हर परिवार के जो कमाने वाला है उसको 100 दिन का काम मिले सरकार की तरफ से, जिसमें अभी जो है पर डे की वेज की गई है 202 रुपये, 202 रुपये दिए जाते हैं जिसको कुछ नहीं आता उस बंदे को। वैसे स्किल के हिसाब से फिर पैसा अलग अलग है, जैसे किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को 6 से 7 हज़ार रुपये महीना मिलता है, किसी चिनाई करने वाले को कारीगर को उसको अलग पैसा मिलता है। तो ये यहाँ पर वेजेस तय की जाती हैं। यहाँ पर द पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क फॉर अनस्किल्ड जॉब, इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ पर्सन विद इन 15 days ही वुड बी गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन लीव ऑफ दैट। और अगर सरकार लोगों को काम देने में असफल रहती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, किसी को काम नहीं मिल पाता 100 दिन के लिए, तो 15 दिन के बाद उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है, उसको पैसा मिलता है घर बैठे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज ऑल्सो बीन मर्ज विद मनरेगा। इसके अलावा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें काम के बदले अनाज दिया जाता था लोगों को, उसको भी अब मनरेगा में ऐड कर दिया गया है, एमजी नरेगा। इसके अलावा जो दूसरे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चले थे वो थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लॉन्च किया गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में। ऑल द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैव नाउ बीन रिप्लेस विद एमएन नरेगा। तो यहाँ पर अब ये सारे प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं और अब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है इस एक्ट के बारे में। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, हाउएवर एमएन नरेगा हैव हेल्प्ड इन अरेस्टिंग द टाइड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो इन प्रोग्राम्स का जो असर रहा, जो इनका काम रहा, वो मिक्स रहा, उसमें किसी में अच्छा रिजल्ट आया, किसी में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एम नरेगा की वजह से एक अच्छा फायदा ये हुआ है कि गांव से लोगों का शहरों में आना कम हुआ है। अब जो मजदूर है वो शहरों में आके काम ढूंढने के बजाय अपने गांव में ही रहकर काम कर सकता है, जिससे माइग्रेशन कम हुआ है, शहरों पर जो बोझ बन रहा था वो बोझ अब कम हुआ है, ये फायदा है एम नरेगा का। इट हैज ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द वेजेस इन रूरल एरियाज, और जिसकी वजह से गाँव में फिर वेजेस बढ़ी हैं, इम्प्रूव हुई है। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट, थैंक यू।